18, a short put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. Short put समझते बच्चों, वो आपने देखा ना, ये एक sphere होता है ऐसा, पूरा metal का sphere होता है, काफी भारी होता है, short put खेलते सब दूर तक ऐसा फेंकते, ठीक है ना। तो उसी short put की बात कर रहा है, ये metallic sphere है, यानी metal का बना हुआ है, काफी भारी, अगर आपने कभी उठाया हो, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब जिस भी मेटल का ये बना हुआ है, सपोज आयरन का बना हुआ है, किसका, आयरन का, लोहे का बना हुआ है, तो लोहे की जो डेंसिटी दी है इन्होंने, कितनी दी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग ये सोचें कि लोहे का, आयरन का एक क्यूब है, आयरन का एक क्यूब है, और इस क्यूब के साइड्स कितने, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 1 × 1 × 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, पता है। तो ये अगर पूरा आयरन से भरा हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास एक पीस है, क्यूबिकल शेप का, आयरन का, तो इसका मास कितना होगा, 7.8 ग्राम। ये इसका मीनिंग है कि जो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास कितना है इसका, 7.8 ग्राम, ठीक है ना, और वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 7.8 बाय 1 कितना आ जाएगा, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हम ले लें आयरन का, तो उसमें मास कितना मिलता है हमको, 7.8 ग्राम। ये इसका मीनिंग है। अब बहुत इजी, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने बोला फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, इसका मास कितना है। तो ये निकालने के लिए, अच्छा एक बार बताओ, इसका मास ग्राम्स में आएगा कि किलोग्राम्स में आएगा, सोचो। मेरे ख्याल से तो ग्राम में अगर आएगा तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, उसको हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई भारी होता है ये, काफ़ी। 1 किलोग्राम आलू लेके आए हो कभी, 1 kg आलू बाजार से खरीद के लेके आए हो, आप लोग भी लाए होंगे कभी, देखिएगा 1 किलोग्राम, हाँ, अगर हम 1 किलोग्राम का ही शॉर्टपट दे देना तो फेंक नहीं पाओगे, कंधा खड़ जाएगा, हाँ, वो काफ़ी भारी भारी होते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो शॉर्टपट है, चलो इसको हमने बना लिया यहाँ पे, और इसकी रेडियस कितनी बच्चे, स्फेरिकल मानिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसका रेडियस कितना है, 4.9 क्या सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप एक काम करो, इसका मास हम निकालने के लिए क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यों सर? अरे भाई इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होता है ये आपको पता है, चेक कर लीजिए। क्या बोला है, डेंसिटी क्या है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर लें इस मेटल का, कौन से मेटल का, जिस मेटल से ये शॉर्टपट बना हुआ है, ठीक है, तो उस मेटल का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें तो कितना मास आता है, 7.8 ग्राम। तो इस शॉर्टपट में कितना मेटल है ये निकाल लो, कितना मेटल का मतलब कितना इसका वॉल्यूम है वो निकाल लो, और उठा के 7.8 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपको इसका मास पता चल जाएगा ग्राम्स में, फिर ग्राम्स को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपट सबसे पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपट विच इज स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है, सॉल्व करते हैं, 4/3 π, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है ना, तो क्या लेंगे, 22/7 इंटू आर का क्यूब, रेडियस कितना है चेक करो, 4.9 है, तो 4.9 का क्यूब, यानी कि 4.9 × 4.9, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, 7 × 1 = 7, और 7 × 7 का क्या होता है, 49, बट पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 से तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, है ना, चलो सॉल्व करते हैं, 4 × 22 कितना हो जाएगा, 88, फिर क्या बचा, इंटू में 0.7 × 4.9 × 4.9 और डिवाइडेड बाय व्हाट, 3 बचा ना नीचे। अब चेक करो, 4.9 को 4.9 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 0.7 से, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 4.9 × 4.9, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा इस चैप्टर में, 9 × 9 = 81, 8 × 9 = 36, 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, 4 × 9 = 36, यहाँ पे जाएगा कैरी 3, 4 × 4 = 16, 16 + 3 = 19, 1 × 6 + 4 = 10, कैरी 1, 9 + 4 = 13 + 1 = 15, है ना, कैरी 1 कितना आ गया, 2501, 1 + 4 + 6 = 10, कैरी 1, 4 + 1 = 5, 9 + 5 कितना हो गया, हाँ यहाँ पे गलती होगी, देखिए 1, 4 + 6 कितना हो गया, 10, कैरी जाएगा कितना, 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5 + 9 कितना होता है, 14 ना, और कैरी 1 जाएगा 1 + 1, 2, 2401, ठीक है ना। तो 4.9 × 4.9 किया तो कितना आ गया, देखो 88 × 0.7 हमने ऐसे लिखा, इंटू 4.9 × 4.9 जो किया है उसको यहाँ पे लिख दो, कितना आया मल्टीप्लाई होके, चेक करो, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, 24.01, तो 24.01 और डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। अब 0.7 को 24.01 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ करते हैं, ठीक है ना,
तो 24.01 को हम लोग 0.7 से करते हैं, ठीक, तो 0.7 से करते हैं, देखते क्या होता है। 7 1 7 7 0 0 7 4 28 2 2 जाएगा ना कैरी, 7 2 14 प्लस 2 16, सही है। बस अब जीरो से करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक करो पीछे से वन डिजिट छोड़ के टू और थ्री, थ्री डिजिट छोड़ के क्या लगाएंगे डेसिमल, ठीक है ना। तो कितना आ गया 88 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 16.807 अपॉन में 3। अब 16.807 को 88 से क्या करो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो करते हैं 16.807 को, तो 16.807 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 88 से, ठीक है ना, 88 से करते हैं, ठीक है। 8 7 56, 5 जाएगा यहाँ, 8 0 0 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 8 8 64, 6 जाएगा, 8 6 48 48 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना, और यहाँ जाएगा 5, 8 1 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो क्रॉस लगाया, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि 6 5 4 4 3 1, यहाँ 6 6 प्लस 5 11 कैरी जाएगा 1, 5 प्लस 5 10 कैरी जाएगा 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 1 4, और यहाँ आ गया 1, ठीक है। पीछे से तीन डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, तो कितना आ गया 1479.016, ठीक है। तो 88 इंटू 16.807 कितना आ गया 147.916 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 प्लेस तक आंसर निकालिए और 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करिए, ठीक है ना। तो यहाँ करते हैं, कैलकुलेशन बहुत है बच्चों इसमें, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो जरा क्या है, 1479.016, करेक्ट। और एक काम करते हैं, सुनो, उन्होंने हमसे वॉल्यूम थोड़ी ना पूछा था, उन्होंने हमसे क्या पूछा था, मास पूछा था, पूछा था कि नहीं पूछा था, इसको मत सॉल्व करो, मेरी बात समझो, पता है मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, देखो कैसे ये आया आपका, जो भी आ रहा होगा वॉल्यूम आ रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में, सही है। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आया है, मैंने आपको क्या बोला था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 7.8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, इसको उठा के इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.8 से, ठीक है, तो मास आ जाएगा। पता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो, उसने हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ द शॉर्टपुट पूछा है ना, उसने हमसे मास ऑफ द शॉर्टपुट पूछा है, वॉल्यूम थोड़ी ना पूछा है, तो वॉल्यूम हमने ऐसे निकाल के यहाँ तक छोड़ दिया। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई मास ऑफ व्हाट ऑफ शॉर्टपुट इज इक्वल्स टू, क्या किया हमने, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी से, चेक करो वॉल्यूम इंटू व्हाट डेंसिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या कर रहे हो सर, सुनो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, इस लेटर को क्या पढ़ते हैं हम लोग, रो, RHO, रो, ये डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको मास निकालना हो तो वॉल्यूम जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा ना डेंसिटी में, तो मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यही तो मैं कर रहा हूँ, मास ऑफ द शॉर्टपुट निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया। और फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप चेक कर लो ना भाई, इतना सारा वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसी को तो डेंसिटी बोलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 7.8 ग्राम है, तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इसको 7.8 से मल्टीप्लाई तो करोगे। अब सुनो, अगर अभी भी नहीं फील आ रहा आप यूनिट के साथ रखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सुनो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इतना है, सॉरी क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द शॉर्टपट इतना है कितना, 1479.016 अपॉन 3। अब इसकी यूनिट लिखो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी बताइए, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब एक नीचे एक ऊपर, कटा कि नहीं कटा, यूनिट किस में आई, ग्राम में, ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। अब पता है मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, मैंने 7.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पता है मैंने तुरंत अपना दिमाग कैलकुलेट कर लिया था दिमाग में कि नीचे यहाँ पे 3 पड़ जाएगा और 7 + 8 कितना होता है 15, जो कि 3 की टेबल में आता है, तो आराम से कट जाएगा कि नहीं, 3 इसको काट देगा कि नहीं, ऐसे मैंने सोचा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना था, मुझे तो मास निकालना था, तो वॉल्यूम मैंने यहीं तक निकाल के छोड़ के मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को मास आ जाएगा जो भी आना होगा, सही है ना। तो देखो 3 1 3, ठीक, और ध्यान से चेक करिए बच्चों, 3 2 क्या हो जाएगा 6, कैरी जाएगा 1, 3 6 18, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल। अब इससे थोड़ा सा इजी हो गया कि यहाँ में डिवीजन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1479.016 इंटू व्हाट, इंटू 2.6 क्या, ग्राम, कोई डाउट है बताइए, हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
देखते हैं कितना ग्राम आ रहा है। चलो कितना बच्चों, 1479.016 इंटू व्हाट, 2.6, सही है, करो 6 6 36, 3 जाएगा, 6 1 6 + 3 9, 6 0 0, 6 9 कितना होता है 54, 5 जाएगा, 6 7 42, 42 + 5 कितना हो जाएगा 47, 4 जाएगा कैरी, 6 4 = 24, 24 + 4 = 28, 2 जाएगा, 6 1 6 + 2 = 8, सही है। अब देखो जरा, 2 6 क्रॉस लगाएंगे, 2 6 = 12, कैरी जाएगा 1, 2 1 2 + 1 = 3, 2 0 = 0, 2 9 = 18, कैरी 1, 2 7 = 14 + 1 = 15, कैरी 1, 2 4 = 8 + 1 = 9, ठीक है ना, और 2 1 = 2, कोई डाउट है बताइए कितना आ गया, 6 9 + 2 = 11, कैरी जाएगा 1, 0 + 1 = 1, 1 + 3 = 4, 4 + 0 = 4, 7 + 8 = 15, कैरी 1, 8 + 1 = 9, 9 + 5 = 14, कैरी 1, 9 + 9 = 18, कैरी 1, इतना आ गया पीछे से वन डिजिट, 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे डेसिमल, को डाउट है बताइए, तो कितना आ गया बताइए, कितना आ गया आंसर आपका 3845.4416 क्या ग्राम, क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, मास आया है, मास ऑफ व्हाट, शॉर्टपट कितना आया बोलो फटाफट, 3845.4416 ग्राम इतना आया मास। अब एक बताओ, किसी को शॉर्टपट का कोई आपसे मास पूछेगा तो आप उसको ऐसे बोलोगे भैया 3845 ग्राम के आसपास है, नहीं, अरे भाई 3000 आ गया ग्राम में, ऐसे कैसे बताओगे, इसको बड़े यूनिट में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड करो तो किलोग्राम में आ जाएगा, ग्राम को 1000 से डिवाइड करो किलोग्राम में आ जाएगा, जैसे ही हमने इसको 1000 से डिवाइड लगाया, ये जी की जगह हम क्या लिख देंगे, केजी। अब ये डेसिमल 1 2 3 प्लेस कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.845। और एक बार बताऊं, बाकी सारे डिजिट आप छोड़ दीजिए, बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं लिख रहे हो, अरे भाई डेसिमल के 3 प्लेस तक इनफ है आंसर, तो ये आ गया आपका किस में, किलोग्राम में। अब आप देखोगे तो बुक में उन्होंने डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखा, आप ऐसे छोड़ दो तब भी सही है, 2 प्लेस तक लिखना हो आप तब भी सही है, चेक करो लास्ट में क्या है 5, लास्ट में 5 या 5 से ज्यादा नंबर हो तो आगे क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3.84 में 1 ऐड करो 5, तो 3.85 क्या किलोग्राम, और ब्रैकेट में लीजिएगा अप्रॉक्स, क्योंकि हमने सब राउंड ऑफ वगैरह करके निकालना है, ठीक है ना, तो ये आ गया मास अप्रॉक्स का शॉर्टपुट का, ठीक है 3.85 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको इसको फील करना हो, पता है 1 किलोग्राम आलू जानते हो ना कितना होता है, सोचो लगभग ये 4 किलोग्राम के आसपास है, चेक कर लो 3.8 आ रहा है भैया, 3.85 आ रहा है, हाँ लगभग 4 किलोग्राम के आसपास है, तो 1 किलोग्राम आलू को लगभग 4 टाइम्स करके तब फेंक के देखो एक हाथ से, ठीक है ना, तो इतना भारी ये शॉर्टपुट है, ओके तो इसको कर लीजिए।